I'm always angry. सो हेलो फ्रेंड्स, आज की बैटल वीडियो दो अल्टीमेट कैरेक्टर्स के बीच है, रेड हल्क वर्सेस एंजल राइडर। दोनों कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं इमेंस स्ट्रेंथ एंड बहुत सारे अलग अलग पावर्स। इस बैटल में होने वाले हैं 4 राउंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट राउंड 1 स्ट्रेंथ। सबसे पहले रेड हल्क की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसने गॉड ऑफ थंडर थॉर को एक फाइट में डिफीट किया है, तो वहीं इसने अपने अपोनेंट हल्क को भी बीट किया है। रेड हल्क के स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यह तरह तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपनी साइज और स्ट्रेंथ दोनों को इंक्रीज कर सकता है। रेड हल्क एनर्जी बीम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। रेड हल्क के पास है सुपर इंटेलिजेंस, यानी कि यह अपनी बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जबकि ब्रूस बैनर अपने हल्क फॉर्म में कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रेड हल्क हाई लिप्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि यह ब्रूस बैनर की तरह ही हाई जंप्स से मूव कर सकता है। अब बात करें एंजल राइडर की, तो इसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। यह बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को मेस कर सकता है। इसके पास भी डिफरेंट पावर्स हैं जो ये कम्प्लीटली रिवील नहीं करता। मैं यहाँ एंजल राइडर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक इनफाइनाइट हो सकती है। सो राउंड 1 के रिजल्ट्स। राउंड 2 ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले बात करें एंजल राइडर की, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी ऐसी वीकनेस है जो इसके बॉडी को इंज्योर कर सके। अब बात करें रेड हल्क की, तो इसकी बॉडी भी हैवी अटैक्स को सरवाइव करने में कैपेबल है। राउंड 2 के रिजल्ट्स। राउंड 3 हीलिंग पावर। सबसे पहले बात करें रेड हल्क की, तो ये अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब रेडिएशन से हील कर सकता है, तो वहीं एंजल राइडर भी अपनी बॉडी को हील कर सकता है। राउंड 3 के रिजल्ट्स हैं। राउंड 4 मोर्टिलिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंजल राइडर इमॉर्टल है, इसे गॉड ने बनाया और गॉड ही से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंजल राइडर एक डेड बैटल में अपनी सारी पावर्स को यूज करेगा, जो रेड हल्क को पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर रेड हल्क ने एंजल राइडर के अटैक से होने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके खुद को अनबीटेबल बना लिया, लेकिन रेड हल्क भी एंजल राइडर के अटैक से होने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके खुद को अनबीटेबल बना सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस बैटल में काफ़ी बैडली बीट होगा। हमें एंजल राइडर की कंप्लीट पावर्स अभी भी नहीं पता है। रेड हल्क की सारी पावर एंड एबिलिटीज एंजल राइडर के सामने बहुत कम है। राउंड 4 के रिजल्ट्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंजल राइडर एक गॉड एंटिटी है और रेड हल्क एक ह्यूमन है जो कि सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन रेड हल्क की सारी पावर एंड एबिलिटीज वर्थ नहीं है एक गॉड एंटिटी को डिफीट करने में। सो यस, एंजल राइडर इज गोइंग टू विन दिस बैटल वेरी स्ट्रॉन्गली।